और एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। व्यास जी के तहखाने में पूजा से जुड़ी बड़ी खबर। ट्रेजरी से व्यास जी तहखाने में लाई गई मूर्तियां, शिव, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश की खंडित मूर्तियां लाई गई हैं। वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, व्यास जी तहखाने में मूर्तियां पहुंचाई गई हैं। ESI सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी। 10 में से 8 मूर्तियां ट्रेजरी से वापस तहखाने पहुंचाई गई हैं। DM की कस्टडी में साक्ष्य के लिए इन मूर्तियों को लिया गया था और अब इन मूर्तियों को एक बार फिर से व्यास जी के तहखाने में पहुंचाया गया है। कैसे वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल है। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा जब कहा गया कि फिलहाल वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी, पूजा पाठ चलती रहेगी। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि कुछ मूर्तियों को ट्रेजरी से एक बार फिर से व्यास जी के तहखाने में ले जाया गया है। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अमित, ये 10 के करीब मूर्तियां थी जो ASI सर्वे के दौरान वहां से व्यास जी के तहखाने से मिली थी। टोटल 250 से ज्यादा मूर्तियां थी जो सभी तहखानों से और वहां पर ASI को जांच में मिली थी। आज के तौर पर अदालत के आदेश पर इसको ट्रेजरी में डबल लॉकर में रखवा दिया गया था, DM की कस्टडी में। और अब जब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है तो उनके प्रेयर के आधार पर ये मूर्तियां फिर जो है वापस वहीं पर रखवा दी गई व्यास जी के तहखाने पर। प्रेयर में 10 मूर्तियों का जिक्र था तो मूर्ति फिलहाल नहीं मिल पाई थी, बताया जा रहा है, तो 8 मूर्ति मिल गई थी क्योंकि ट्रेजरी में 250 से ज्यादा मूर्तियां थी तो उनकी पहचान करके उनमें से 8 मूर्तियों को वापस व्यास जी के तहखाने में रखवा दिया गया है ताकि उनकी पूजा अर्चना शुरू हो सके। प्रेयर में इनकी पूजा अर्चना राग भोग की बात कही गई थी, क्योंकि अब राग भोग और पूजा अर्चना के लिए अदालत ने आदेश दे दिया तो ऐसे में उनके प्रेयर के मुताबिक उनको मूर्तियां वहां पर दी जानी चाहिए। इसीलिए DM के आदेश पर फिर डबल लॉकर से वो 8 मूर्तियां निकली और व्यास जी के तहखाने पर इनको रखवा दिया गया। और अब बाकी जो वहां पर मूर्तियां हैं उनके साथ इन 8 मूर्तियों का भी राग भोग पूजा आरती वहां पर की जाएगी। फिलहाल वो जो 8 मूर्तियां थी उनको रखवा दिया गया। इस बाबत जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी है कि चूंकि प्रेयर में था ये 8 उनका मूर्तियों का, 10 मूर्तियों की बात कही गई थी इसलिए उसमें से 8 मूर्ति मिल गई है, बाकी जो 2 मूर्ति भी मिल जाएंगी तो वो भी वहां पर पहुंचा दी जाएंगी। तो ये व्यास जी के तहखाने से ASI सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी। अदालत ने चूंकि आदेश दिया था कि जो भी साक्ष्य है उनको DM की सुपुर्दगी में दिया जाए, DM उन साक्ष्यों को पूरी एक कॉपी थी संलग्न की, कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहां कहां से साक्ष्य मिले, वो पूरी डिटेल जो है अदालत को दी गई कि, और वही एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई थी और जिला मजिस्ट्रेट के साथ उनको कहा गया था कि इसको सुरक्षा में रखवाया जाए। इसीलिए ट्रेजरी जो हर जिले का जो कोषागार होता है वहां पर इन मूर्तियों को रखवाया गया था और डबल लॉकर में, ताकि किसी तरीके से भी साक्ष्यों के साथ कोई किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो आज उस डबल लॉकर से निकलवा के 8 मूर्तियां वापस व्यास जी के तहखाने में रखवा दी गई और वहां पर उनकी भी पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से रिएक्शन, उपेंद्र? बिल्कुल, हिंदू पक्ष से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अब ये उनकी जीत की ओर लगातार बढ़ते कदम है और इसको एक अगला कदम मान लीजिए क्योंकि पूजा शुरू हो गई है, वापस मूर्तियां पहुंच गई हैं और जो बाकी भी मूर्ति 250 के करीबन जो मूर्तियां मिली थी साक्ष्य मिले थे वो भी एक दिन वापस वहीं पहुंचेंगे जिस दिन हम पूरे परिसर का मुकदमा जीत लेंगे। तो आज 8 मूर्तियां पहुंची हैं और बाद में एक समय के बाद 250 जितनी मूर्तियां हैं 250 करीब वो सब वापस ज्ञानवापी पहुंचेंगे। एक बार फिर ज्ञानवापी में उन सभी मूर्तियों की पूजा अर्चना हो जाएगी और वो अपने बाबा की पूजा करेंगे। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं किसान कत्लकांड की। लखीमपुर खीरी में किसान और समाजवादी पार्टी के नेता की 48 घंटे पहले हत्या हो जाती है लेकिन कातिल कत्ल से कई दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐलान करता है कि कोई बचाने नहीं आएगा। वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब पुलिस ने हत्यारोपी गैंगस्टर को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पहले ऐलान, फिर प्लान और कत्ल। ट्रैक्टर से खींचकर किसान का मर्डर, किसान के कातिल से एनकाउंटर। दो तस्वीरें देखिए और यूपी में अपराध का अंजाम देख लीजिए। एक तरफ 2 दिन पुरानी वो तस्वीर है जिसमें किसान की
ट्रैक्टर से खींचकर हत्या कर दी गई थी और दूसरी तस्वीर उस केस के हत्यारोपी की है जो लंगड़ाकर चल रहा है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के कंधे पर हाथ रख लंगड़ाते पांव मासूम सा दिखने वाला शख्स ये वो कुख्यात अपराधी है जो ऐलानिया कत्ल करता है। पहले धमकी देता है, फिर सरेआम घटना को अंजाम देता है। इसका नाम है हरेंद्र यादव, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। हरेंद्र यादव एक दुर्दांत अपराधी जिस पर कत्ल का संगीन आरोप है, लेकिन कातिल के बारे में जानने से पहले कत्ल के बारे में जान लीजिए। 30 जनवरी रात 10:30 बजे का वक्त, जगह उचौलिया लखीमपुर। रमेश यादव नाम का एक किसान अपने गन्ना फैक्ट्री में बेचकर ट्रैक्टर से वापस घर लौट रहा था। घर पर परिवार उसके लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि कातिलों ने कुछ और ही साजिश रच रखी है। मैंने कहा कि किसने कहा? लाल वीर ने। हाँ। तुम्हारे पड़ोसी को वहाँ मार कर डाल दिया है, उठा ले जाओ। क्या बजे फोन किया तुमको? 1 बजे। 1 बजे दिन में या रात में? रात में। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बटे गया फोन तुरंत कर दिया। पुलिस को फोन किया था आपने? नहीं, हमको कोई पता नहीं। फिर किस नंबर से फोन आया था? अरे यार, उनके पास है। किसके पास? उनके रमेश की अम्मा के पास। तुम्हारे पास कॉल है? वो भाई के पास। तुम्हारा कितना नंबर है जिस पर फोन आया? हमको नहीं मालूम। रात के अंधेरे में गांव की पगडंडियों पर किसान का ट्रैक्टर तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। साथ में था उसका भतीजा शुभम। रात होने की वजह से खूब अंधेरा था। तभी अचानक सड़क पर कुछ लोग नजर आते हैं। लोगों को बचाने के लिए किसान ने ब्रेक पर पांव जमा दिए। ट्रैक्टर का शोर थम चुका था और मौत की आहट दस्तक दे चुकी थी। पलक झपकते ही करीब 10 लोगों के झुंड ने किसान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक कि किसान की मौत नहीं हो गई। ये दिनांक 31 जनवरी की रात्रि में हत्या और मारपीट की घटना घटित हुई थी। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मुख्य अभियुक्त जो वांछित चल रहा था, हरिंदर उर्फ मंझले पुत्र मिलाप। इधर किसान का भतीजा किसी तरह जान बचाकर मौके से भागा और परिवार को हमले की खबर दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती किसान का काम तमाम हो चुका था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कत्ल के पीछे नाम निकल कर आया हिस्ट्री शीटर हरेंद्र यादव का। 2 दिन पहले किसान की गन्ना मिल से गन्ना तुलाकर वापस आते समय सरेआम सड़क पर खींचकर हत्या कर दी थी। महज 48 घंटे बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्यारे कुख्यात अपराधी हरेंद्र को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। हरेंद्र ने किसान को जान से मारने से पहले सोशल मीडिया पर धमकी देकर इसका कत्ल का ऐलान किया था। हिस्ट्री शीटर हरेंद्र यादव बदमाश किस्म का आदमी है। उसका मृतक किसान से खेत में पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच किसान को अपने कत्ल का अंदेशा सताने लगा था। ये बात व्हाट्सएप चैट के जरिए अपने दोस्त से साझा की थी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि दबंग कब्जा कर रहे कत्ल भी कर सकते हैं। यहीं से एक और सवाल उठ खड़ा होता है, क्या पुलिस को इस विवाद के बारे में पहले से खबर थी? अगर हाँ, तो वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इंदर उर्फ मंझले पुत्र मिलाप सिंह, इसको आज दिनांक 2 फरवरी को थाना उचौलिया पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा, खोखा कारतूस का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यह अभियुक्त हरिंदर उर्फ मंझले जो है, ये पूर्व से ही हत्या, मारपीट व अन्य जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। इसके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई भी की जा चुकी है। वारदात के बाद से पुलिस की कई टीमें हत्यारोपों की तलाश में जुटी थी। हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर भी भेजा गया, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बीच पुलिस की हिस्ट्री शीटर हरेंद्र से मुठभेड़ हो गई और जवाबी फायरिंग भी। दुर्दांत अपराधी न सिर्फ घायल हुआ बल्कि पकड़ा भी गया। लखीमपुर खीरी से न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और इटावा से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां पर एक शख्स ने अपनी भाभी के प्यार में पागल होकर उसका कत्ल कर दिया।
कभी ही अपनी भाभी से बेइंतहा इश्क का दावा करने वाला देवर उसी भाभी से जब नफरत करने लगा तो इतने हमले किए कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। कत्ल की वजह सिर्फ इतनी थी कि भाभी ने देवर के प्यार को ठुकरा दिया था। एक तरफा इश्क, रिश्तों का कत्ल, भाभी के प्यार में कातिल बना देवर, इश्क ना कबूल कर दी भारी भूल। वो भाभी के इश्क में पागल था, मां समान भाभी पर उसकी गंदी नजर थी। रिश्तों के तार तार करने की नीयत ने उसे इस हद तक हैवान बना दिया कि अपनी ही भाभी का कातिल बन गया। एक सिरफरे देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ियों से काट करके हत्या कर दी है। ऐसा कहा गया है कि देवर अपनी भाभी पर बुरी नीयत रखता था और उससे रिश्ते बनाना चाहता था। कई दफा कोशिश भी कर चुका था। यह सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ऊसराहार इलाके के सरैया गांव की है। वारदात इटावा के ऊसराहार इलाके की है। पुलिस को खबर मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है, लिहाजा फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मौका वारदात का मंजर रूह कपा देने वाला था। एक महिला की लाश कई टुकड़ों में कटी हुई पड़ी थी। कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से महिला पर हमले किए थे। ऊसराहार थाना जनपद इटावा में देवर भाभी का झगड़ा हो गया था और काफी गाली गलौज और झगड़े के बाद जो है देवर ने भाभी के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया था और उसे काफ़ी गंभीर चोटें आ गई थी। उसका इलाज चल रहा था और अभी कुछ देर पहले उनकी जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। कातिल का नाम पता साफ साफ पता था। गांव के कई लोग कत्ल कांड के गवाह थे, लेकिन एक सवाल का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। वो था कत्ल का मकसद। लिहाजा पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। यानी हत्यारोपी देवर की नीयत अपनी भाभी को लेकर ठीक नहीं थी। आरोप है कि देवर अपनी भाभी से संबंध बनाना चाहता था। उसने कई बार दबाव डाला था। वो अक्सर अपनी भाभी से कहता था कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन भाभी ने जब उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शिकायत की तो देवर ने अंजाम में मौत लिख दी। सनकी टाइप का था। इससे पहले अभी हमने शादी उसकी करवाई थी तो उसने अपनी औरत को छोड़ दिया ऐसे ही मार काट के, तो परेशान होकर भाग गई। फिर ये इस लड़की को परेशान करने लगा, मेरी भतीजी को। तो उसमें सहयोगी हमारे जीजा जी जो थे वो भी रहे। आज उसने जाके कुछ दिनों से जब से शादी हुई उससे मतलब यही होता, उसकी बहन की शादी होने वाली थी उससे, तो मैंने कर दी भतीजी। इस हिसाब से वो उलझन में रहती थी तो उसने आज यही फायदा उठा के उसको उसका के और ये काम करवा दिया। ऊसराहार इलाके में रहने वाले अतर सिंह के चार बेटे हैं, जिसमें दूसरे नंबर के बेटे प्रदीप कुमार की शादी मोहिनी के साथ हुई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। प्रदीप के छोटे भाई रवि कुमार की पत्नी उसकी हरकतों से परेशान होकर उसको छोड़कर चली गई थी। तभी से रवि अपनी भाभी मोहिनी पर गंदी नजर रखता था। 3 महीने पहले भी उसने भाभी के साथ छेड़खानी की थी, जिसको लेकर मोहिनी ने अपने पति प्रदीप और सास ससुर से शिकायत की थी। लेकिन शिकायत के बाद भी रवि सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। दो एक बार कर चुका है तो जबरदस्ती ऐसे होता रहा, तो उसने अपने शिकायत भी की, ससुर से भी कहा, सास से भी कहा, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। अपने बच्चे की सपोर्ट मतलब किया, बच्चा दिन दोनों अपना बढ़ता रहा। आज आके उसने पता नहीं आज क्या ऐसा किया है। और ये साथ में थी दीपू की बहू, वो तो घर पे ही थी। जब वो रोई चिल्लाई होगी, इतना बड़ा हादसा घर पे हुआ, एक ही कमरे में आदमी है, तो कहे जाना नहीं होगा। गांव वालों की माने तो आरोपी लंबे समय से अपनी भाभी को परेशान कर रहा था। मोहिनी का पति प्रदीप रोज की भांति हार्डवेयर की दुकान पर काम करने गया था। तभी रवि ने शाम को लगभग 5 बजे मोहिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर मोहिनी ने विरोध किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान रवि ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहिनी के गले, हाथ और सर में गंभीर चोटें आई और वो
लहूलुहान हो गई। जिस वक्त हत्यारोपी ने अपनी भाभी पर हमला किया उस वक्त भी लोग महिला को बचाने पहुंचे थे। इस दौरान महिला के पति की उंगली भी कट गई, लेकिन सिर पर खून सवार देवर अपनी भाभी की मौत तक ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी बरसाता रहा। मृतका जो मोहिनी उर्फ काजल थी, उनकी बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है जो पुलिस की होती है उस पर ले लिया गया है कब्जे में और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी उसके पति की तरफ से अभियोग दर्ज कर दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। हाँ, जो कुल्हाड़ी थी वो भी बरामद कर ली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।